नमस्कार, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स. और आज मैं नमस्कार एक विशेष कार्यक्रम लेकर आई हूँ. नमस्कार भूपेंद्र जी, नमस्कार नमस्कार निवेदिता जी. नमस्कार और रिचित. ये विशेष कार्यक्रम है कि हम इस तरह के कार्यक्रम पहले तो किए हैं कि मीट द ऑथर. कोई भी बुक जो पब्लिश होती है तो उसके ऑथर से हम रूबरू होते हैं, उनके जज्बात, उस बुक के पीछे क्या उनका मोटिव था, ये सब जानने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि दिस बुक हैज बीन पब्लिश्ड बाय युगानुगुंज मीडिया इटसेल्फ, एंड आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट वेंचर एज अ पब्लिशर. तो ये एक स्पेशल प्रिविलेज है युगानुगुंज के लिए, बिकॉज दे आर इंट्रोड्यूसिंग टू अस द ऑथर ऑफ देयर वेरी फर्स्ट पब्लिश्ड बुक, दैट इज द सेवेंथ गॉड. और भूपेंद्र जी, एक नया नाम युगानुगुंज के लिए बिल्कुल भी नहीं है. निवेदिता चक्रवर्ती, ऑलरेडी वी नो यू सो वेल. और इस युगानुगुंज प्लेटफॉर्म पे हर दिन हम आपसे रूबरू होते हैं, लेकिन एक ऑथर के, एक बुक के पीछे क्या मोटिव होता है, उसके पीछे क्या पेन होता है, उसके पीछे क्या भावनाएं होती हैं, क्योंकि बुक रातों रात उत्पन्न नहीं होते. बुक, एक बुक, कंप्लीट बुक को आने में बहुत सारा मशक्कत, आई मीन पेन, बहुत सारा लेबर, बहुत सारा इमोशंस इन्वॉल्व होता है. एज यू ऑल नो कि वी ऑल आर राइटर्स हियर, युगानुगुंज में हम सब लेखक लेखिकाएं हैं और सब बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम लिखते हैं. तो हम ये देखते हैं कि एक छोटी सी लाइन, मान दो लफ्ज भी लिखने के लिए अंदर से पूरा पूरा दिल उड़ेलना पड़ता है. तो सर ने, भूपेंद्र सर ने तो एक पूरा, आपका पूरा नॉवेल हमारे सामने पेश किया है. और इक्वली क्रेडिट गोज टू निवेदिता जी, जिन्होंने ये पेन लेकर उसको पब्लिश किया है और हमारे सामने रूबरू ये बुक है, सेवेंथ कॉर्ड, विच आई रिसीव्ड यस्टरडे इटसेल्फ. और सून सर, आई विल बी गोइंग थ्रू द एंटायर बुक. अभी तो मैं इसमें एक स्टोरी पढ़ी हूँ और जो फॉरवर्ड है, और आई वॉज सो एनग्रॉस्ड इन इट कि मतलब मुझे लगा कि अगर वो होली नहीं होती तो मैं पूरा बुक पढ़ती. तो नमस्कार सबको, मोस्ट वेलकम, वेलकम सर, वेलकम मैम. और मेरे लिए ये स्पेशल प्रिविलेज और ऑनर इसलिए भी है कि इस बुक का अनवेलिंग की पार्ट में रही हूँ. तो और आज आपसे कुछ इंटरव्यू या कुछ बात करना चाहती हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सर, क्वेश्चन रादर देन क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू से कि जस्ट हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये सेवेंथ कॉर्ड के पीछे आपके मन में ये कब ये भावना आई कि इसे प्रेजेंट करना है या लोगों तक पहुंचाना है, या ये बहुत सालों का लेबर था, या क्या था, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड, या व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ब्रिंगिंग आउट दिस बुक सर? जी, सबसे पहले सारे सब श्रोताओं को मेरा नमस्ते. युगानुगुंज पब्लिकेशंस को मेरा मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी पहली पहली किताब को जांचा, परखा और इस लायक समझा कि वो अपना उसको अपने प्रकाशित कर सके. और जहाँ तक आपका सवाल है कि ये एक लंबा प्रोसेस रहा है, एक प्रोसेस होता है राइटर की जिंदगी में. एक कोई एक ऐसा बिंदु नहीं होता कि नहीं, यहाँ हमने डिसाइड कर लिया कि बुक छप जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता. एक इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस चलता आया है जिसमें निवेदिता जी भी हैं, मतलब आपसे भी कई बार बात हुई है और भी हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, लेखक हैं. वो हमेशा कहते थे कि नहीं ये ठीक है और ठीक आप लाइन पे जा रहे हैं, तो इसको कंपाइल कीजिए, इनको कंपाइल कीजिए. तो ये एक प्रोसेस मेरे ख्याल से 2006 के आसपास चलता गया से चल रहा है. तो उस प्रोसेस में मैंने कम से कम 10-12 कहानियां, 15 कहानियां लिखी हैं और अंग्रेजी में कविताएं भी लिखी हैं. और कहानियां जहां तक हम कहते हैं, जिसको हम हिंदी में लघु कथाएं कहते हैं, वो लघु कहानियां नहीं है, ये स्टोरीज हैं. जैसे उन्होंने आपने पढ़ा होगा, उसमें फॉरवर्ड में भी उन्होंने मेंशन किया है कि हर कहानी एक छोटी नॉवेला जैसी है. हर कहानी में जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है और स्थिति, सिचुएशंस, कैरेक्टर्स, उनकी एम्बियंस पूरी तरह से एक्सप्लेन की गई है. और जिसको जिसमें ये जैसे कोई एनेक्डोटल कहानी है, जैसे कोई आधे पेज की या एक पेज की, वो नहीं.
ये हमने शुरू किया था, उसमें से फिर हमने सात कहानियां और सात कविताएं ली, जिसको आप कह सकते हो कि जैसे मैंने अपने एक नोट में भी लिखा है कि वहां पे एक एक्लेक्टिक भाव है सुरों का, जैसे सात सुर होते हैं, तो वो भाव हमने रखा है कि चलिए हम आपके सामने अपने सप्त रंग धनक जिसको कहते हैं, वो रेनबो, उसमें भी सात रंग होते हैं, तो वो पेश करते हैं, देखते हैं कि रीडर्स का क्या रुझान रहता है, रीडर्स कैसी पसंद आती है। तो ये उनमें से चुनिंदा सात कहानियां हैं और सात पोएम्स ही हमने रखी। जी जी हाँ, वो तो ऑब्वियस है, वो सेवेंथ कॉर्ड, वही फर्स्ट थिंग दैट केम इन टू माइंड कि द सेवेंथ कॉर्ड क्यों रहा, तो मैंने पढ़ा तो फिर वो क्लियर हुआ, जो फॉरवर्ड था कमल हक सर का। माय नेक्स्ट, ये टू निवेदिता जी, कमिंग टू यू, कि यू आर अ राइटर योर सेल्फ, आप लिखती हैं और बहुत उम्दा लिखती हैं, इसमें तो कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। और वॉट मेड यू कम इन टू पब्लिशिंग? और एक बात जहन में जरूर आती है कि कोई भी, जब आपका, ये तो आपका फर्स्ट बुक है, तो कोई भी किसी का फर्स्ट इशू जो होता है, फर्स्ट बेबी, यू प्लान फॉर इट, मतलब आप चाहते हो कि वो बेस्ट हो, मतलब जैसे एक औरत की जिंदगी में होता है ना कि उसका फर्स्ट चाइल्ड, एंड देखो एक कपल उसको प्लान करके लाते हैं, तो दिस वॉज योर फर्स्ट बुक, ये एज अ पब्लिशर दिस वॉज योर फर्स्ट बुक, तो क्या मतलब क्या मोटिव था, या हाउ डिड यू प्लान फॉर इट, या मतलब व्हाट चूज यू टू पब्लिश दिस वेरी बुक? थैंक यू रिचा जी, और आप बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को कर रही हैं मॉडरेट। और मैं सबसे पहले, थोड़े से लोग आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। शोभना तनेजा जी, वीना कुमार जी, सरोज कौशिक जी, राजीव कपिल जी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो रिचा नमस्कार। जी नमस्कार। तो रही पब्लिशिंग की बात, की पब्लिशिंग करने का क्यों सोचा, तो जब मैंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश कराई, मेरे हिस्से के नूर, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हम ऐसा सोचते थे कि जो पब्लिशिंग है तो सारा प्रूफ रीडिंग वगैरह सब कुछ उधर ही होगा, और हम तो सिंपली कह देंगे हमने ये पोएम्स लिख दिया और पब्लिश कर दो। तो कुछ ऐसा रहा कि या तो मतलब मेरे नेचर में थोड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप की चीज है, तो एज अ वर्गो, तो मेरे को कहीं पे संतुष्टि नहीं हुई। मैंने प्रूफ रीडिंग खुद बहुत बार करी अपने बुक की, और दूसरा ये जो डिजाइनिंग वगैरह भी हमने इन हाउस करी, तो जब काफी सारी चीजें हमने करी तो हमको लगा कि हम एक बुक पब्लिश कर सकते हैं। मतलब पब्लिशिंग के जो जो स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर यही होते हैं, एक इससे भी ज्यादा जो चीज जो मन के अंदर लग रही थी कि एक होता है रीडर्स को पढ़ने के लिए एक इंटरेस्ट पैदा करना। आज की मार्केट में पढ़ने का इंटरेस्ट लोगों के अंदर खत्म हो गया है। तो क्या होता है कि एक तो आप स्वांतः सुखाय लिखते हो, आप लिखते हो कि जब आप लेखक होते हो, राइटर होते हो, तो आप लिखते हो ठीक है ना, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ना, कोई पढ़े ना पढ़े, हम लोग इतने ज्यादा लीज बॉदर्ड होते हैं, ठीक है ना, हम अपनी खुशी के लिए लिख रहे हैं, जो संवेदना है वो लिख लिया हमने। तो राइटर टू पब्लिशर ये एक ऐसा होता है कि एक डेस्क से उठ करके सामने वाले डेस्क पे जाना, तो पूरा सोचने का ढंग चेंज हो जाता है, क्योंकि तब आप राइटर के बारे में तो सोचते हो, आप रीडर के बारे में भी सोचने लगते हो कि रीडर को कैसे परफेक्ट चीज देनी है उसके सामने, ताकि उसको पढ़ने में मजा आए। एक रीडर क्या पढ़ना चाहता है, रीडर का इंटरेस्ट क्या पढ़ने में, और जो कंटेंट हम रीडर के सामने पढ़े रखें वो इतना बेहतर हो कि रीडर को ऐसा ना लगे कि अगर हमने 200 रुपए खर्च किए तो यार हमारे जेब से पैसे निकल गए, ये तो हाँ ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है ये एक हर पब्लिशर को ये इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कंटेंट की भी और क्वालिटी ऑफ बुक की भी, ताकि रीडर, क्योंकि एक बुक परोसना दूसरे के सामने ऐसा होता है जैसे कि आपने कुकिंग करके एक खाने को परोसा, तो एक जैसे गृहस्थन जो होती है, गृहिणी जो होती है, वो खाना अपनी तरफ से बेस्ट बना करके एक गेस्ट के सामने रखती है, तो सेम ऐसा ही एक पब्लिशर के साथ होना चाहिए, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि ऐसा हो। रही बुक, रही बात जो भूपेंद्र जी की बुक जो सेलेक्ट करी, तो भूपेंद्र जी
के साथ तो 2.5 साल से हमारा जान पहचान है। तो हमारे फर्स्ट जान पहचान हमारी युगानुगुंज के, हमने एक पोएट्री सेशन कराया था, तब हमने इनकी पोएट्री सुनी थी और उनकी पोएट्री तब भी हमको मतलब बहुत अच्छी लगी थी। और स्टार्टिंग से ही हम लोग काफी सारे पोएट्री सेशन वगैरह कराने लगे थे, तो इनका कॉन्टेंट तो समझ आने लगा था। मुझे नहीं पता था कि ये कहानियां भी लिखते हैं, तो इनकी कहानी पढ़ने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर जब मैंने इनकी कहानी पढ़ी तो इनकी कहानियों में इतना, इनकी कहानियों में मतलब जो भी लोग पढ़ेंगे और जो लोग खरीदेंगे, तो इनकी कहानियों में ना अगर आप शुरू करते हैं ना, तो आप एंड तक बिल्कुल पहुंचना ही चाहते हैं, क्योंकि इनकी कहानियां बांधती हैं। तो बहुत सारी, अच्छा, क्योंकि मैं राइटर हूँ, रीडर भी हूँ, बचपन से बहुत सारा कुछ पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे भी राइटर्स का पढ़ा है जो कि ऐसे भी, आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे राइटर्स जो कि फेमस हो गए इस हिंदुस्तान में, लेकिन उनकी कहानियों में ना वो बात नहीं होती है। तो ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको दुनिया ने अभी तक पहचाना नहीं है, लेकिन उनकी राइटिंग में वो बात है जो होनी चाहिए। तो आपके अगले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी कि इनकी कहानियों में एग्जैक्टली क्या है, तो मैं वो भी बताना चाहूंगी अगले कुछ क्वेश्चंस में। और बस यही है कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गई इनकी राइटिंग से, और फिर मैंने जब देखा कि इनके पास पूरा का पूरा कलेक्शन है, तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि अगर कलेक्शन है और इफ यू वॉन्ट टू पब्लिश विद अस, तो हम पहली बुक आपकी छापना चाहेंगे, युगानुगुंज की। जी, और ये बहुत ही अच्छा वेंचर रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि अभी दिस बुक इज मोस्ट टॉक्ड अबाउट बुक, आई थिंक कि अभी सबको ये अपना प्लेटफॉर्म में शो कर रहा है कि ये बुक मैंने खरीदी, मैंने, और मैंने भी अभी। सर, एक चीज आपसे पूछना है कि हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि लेखक जो है वो समाज का आईना होते हैं, हम चाहे ना चाहे अगर हम लिखते हैं तो जरूर ना हमारे इर्द गिर्द जो भी घूमता रहता है, हम उसको अपने स्टोरीज में, अपने पोएट्रीज में लाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत लोग नहीं होते हैं, लेकिन लेखक कभी उससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पाता है, मतलब वो अपने सराउंडिंग से अपने को डिटैच करके नहीं लिखता है। तो व्हाट मेड यू चूज राइटिंग, आपके अंदर क्या जज्बा पैदा हुआ कि आप एक राइटर ही बने, या आप सिचुएशन ऐसा था, या फिर आपने कोशिश करके वो राइटिंग में आया, या मींस व्हाट मेड यू गेट इनटू राइटिंग, एंड दैट आल्सो इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस सच एज उर्दू, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा, तो व्हाट मेड इट यू टू चूज राइटिंग। प्रश्न बड़ा कठिन है। क्यों कठिन इसलिए है कि अगेन मैं कहूंगा कि हम वो एक जगह, एक बिंदु पे नहीं रख सकते। देखिए, जब मैंने पहली कहानी लिखी जिंदगी में, तो मैंने पहले भी प्रोग्राम में बोला है, तो मैं उस टाइम 6th क्लास में था। क्लास 6 का एक बच्चा कोई कहानी लिखना चाहता है और लिखता है, तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि छोटा एक बच्चा अगर वो हर कितनी भी गेम्स देखता है अपने आसपास, लेकिन उसको बैडमिंटन अच्छी लगती है, तो वो बैडमिंटन का बैट पकड़ता है और उसको शटल कॉक को मारता है, या क्रिकेट ही अच्छी लगती है तो बॉलिंग करता रहता है और वो बैटिंग करता रहता है, वो कोई जज्बा होता है अंदर। इसी तरह से हमारे अंदर भी उस टाइम एक कच्चा सा ही एक जज्बा था, तो वो एक कहानी मैंने लिखी थी उस टाइम 6th क्लास में और अपनी माँ को सुनाई थी, आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद कहानियां पढ़ने का बहुत मौका मिला, ड्रामे सुनने का, देखने का, स्टेज भी, जैसे आप रंगमंच कहते हैं, उसके साथ भी हमारी वाबस्तगी रही। तो ये क्यूमुलेटिव एक अंदर घुसता गया, ये आपको, आप लीजिए 3 senses, ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, हियरिंग एंड यू नो ऑब्जर्विंग, तीनों सेंसेस में हमारे यही कहानियां ही थी दाएं बाएं। और एक और चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक एक राइटर तभी मुकम्मल हो सकता है जब वो कहानियां सुनने के लिए तैयार हो, पहले कहानियां सुनने के लिए तैयार हो, कहानी लिखना बाद की बात है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम ट्रेन में सफर करते हैं, तो मैं ट्रेन में कभी चुप नहीं बैठता हूँ अपने को पैसेंजर से, या प्लेन में जाते हैं या कहीं भी हो, तो को पैसेंजर से कोई बात करते हैं, जी अच्छा आप बताइए कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ के हैं, वो भी पूछते रहते हैं। यानी कि कई लोग चूज करते हैं चुप रहना। वैसे तो मैं आदतन बड़ा चुपी इंसान हूं, लेकिन उस समय मेरी वो चुप्पी खत्म हो जाती, क्योंकि उस समय मैं एक एक
एक उत्सुकता ये होती है कि वो कैरेक्टर को जानना कि हमारे, और हर इंसान के पीछे एक कहानी, मैं इस चीज को मानता हूं। तो इस तरह से हमारा ये सफर शुरू हुआ, न जाने कब हमें इंटरेस्ट हुआ इसमें, वो समय कौन सा था, वो घड़ी कौन सी थी, वो पल कौन सा था, वो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन बस पढ़ना लिखना सुनना देखना यही सब चलता रहा। और एक समय हमने ये पाया कि हमें कुछ लिखना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ा, अंदर कुछ बॉयल हो रहा था, कुछ सुलग रहा था तो कागज पे उतार देता था। और इसी तरह से फिर धीरे धीरे हमने कहानी लेखन के बारे में, उस विधा के बारे में स्किल सेट उसका सीखा कि कैसे होना चाहिए। तो अभी भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हमने, अभी भी सीख रहे हैं। आपको मैं इतला कर दूं इस बात की कि अभी भी हमारी जो उसकी स्कूलिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो चल रही है, लेकिन अभी इतना हिम्मत की है कि मैं उस पर थोड़ी कहानियां, जैसे इन्होंने कहा कि युगानुगुंज के माध्यम से, और जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है अभी अपने रीडर्स से, तो मैं तो सोचता हूँ कि मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं था कि ऐसा रेस्पॉन्स होगा। तो आई थैंक माय गॉड, आई थैंक माय स्टार्स, आई थैंक ऑल ऑफ यू। जी हाँ, ये तो आपने बहुत सही कहा कि निरंतर हम सीखते रहते हैं। और एक और बात इसमें है कि आप सीख भी रहे हैं लेकिन बहुत उम्दा सीख रहे हैं, क्योंकि सर ने कहा है, कमल हाथ ने, कि यू डोंट स्टिक टू अ पर्टिकुलर स्टाइल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपकी हर कहानी में एक वैरायटी है, एक रेनबो की तरह, मतलब रंग बिरंगी और बहुत विभिन्न रंग लाती है हमारे सामने। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं, और वो क्या नेचुरल आता है या फोर्सफुल है या आपके भावना? यहाँ मैं आपको एक एक सटीक जवाब दे सकता हूँ, अभी तक मैंने सटीक जवाब नहीं मैं दे पाया, सॉरी, क्योंकि उनका सवाल प्रश्नों का उत्तर ही ऐसा था। यहाँ मैं दे सकता हूँ आपको। देखिए, कहानी, जैसे मैंने कहा, कहानी हर दुनिया में 7.5 बिलियन लोग रहते हैं, माने कि 7.5 बिलियन कहानियां हैं। उसके अलावा नेचर है, फूल है, पत्तियां हैं, क्रीचर्स हैं, इकोसिस्टम है पूरा, तो मतलब असंख्य कहानियां आपको मिल सकती हैं। लेकिन इनमें क्या है कि ओवरलैपिंग हो सकती है, एक जैसा पन आएगा। जैसे निवेदिता जी ने कहा कि कई बार कहानी पढ़ने में क्या होता है कि एक रीडर जो है वो सोचता है, यार ये मैंने काफी बार पढ़ा है, और ऐसा मैंने काफी बार और किताबों में देखा है, और ये प्लॉट मैंने कहीं और भी देखा है। तो हमारा ये शुरू से ये रहा, मैं इसको एट द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग इमोडेस्ट, लेकिन मेरा शुरू से ये था। और इनके साथ भी जब बात हुई तो हमने ये कहा कि नहीं, देखिए इसमें खतरा भी है, क्योंकि मेरी कहानियां वो वैसी नहीं है जो रन ऑफ द मिल कहानियां हैं, ये अलग अलग जॉनर की कहानी। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहली कहानी है आस्था की, एक बूढ़ी औरत की आस्था। अब वो आस्था हमने कैसे परोसी है, जैसे इन्होंने कहा कि एक कहानीकार भी दरअसल एक हामिला औरत होता है, उसको डिलीवर करना है। यू आर वेरी दैट टाइम हमें पेन होता है कि मैं इसको डिलीवर कर दूं इस कहानी को किसी तरह से, जैसे एक प्रसव की पीड़ा होती है, तो कहानीकार भी उसी प्रश्न की पीड़ा में से गुजरता है। तो हमने ये हमने कॉन्शियस एफर्ट किया है कि वो जो डिलीवरेंस है वो डिलीवरेंस वैसी ना हो जैसी आमतौर पर हो। एक तो होता है क्या कहा गया, यही मैं जानना, दूसरा होता जी, दूसरा होता कैसे कहा गया, क्या लिखा है और कैसे लिखा है। उस कैसे लिखा है में हमारा रोल थोड़ा और होना भी चाहिए, अगर हम लेखक हैं तो हमारा रोल उसमें बिल्कुल होना चाहिए कि कैसे लिखा गया, कैसे परोसा गया। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन एक्चुअली क्या है, जो योनर, जो हम स्टाइल पिकअप करते हैं या चूज करते हैं या जो हमारे अंदर से नेचुरल आता है, उसको हम लोग बहुत इजीली नहीं हटा पाते। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत उम्दा गजल लिखते हैं, ये बहुत उम्दा शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, तो आपने ये वैरायटी पैदा करने के लिए क्या कुछ स्पेशल एफर्ट किया या पढ़ाई की? हाँ, उसके पढ़ाई तो मैंने कोई
खास इसमें की नहीं है, मैं आपको बताऊं, ना कोई कोर्स किया ना कोई कुछ किया, लेकिन मैंने कहानियां बहुत पढ़ी हैं जी अंग्रेजी हिंदी उर्दू के जितने भी लेखक हैं, अकॉस अच्छे बुरे जितना भी लिटरेचर है वो पढ़ा, एक ये था। प्लेस बड़े पढ़े, प्लेस बहुत सारे पढ़े, जब तक इनपुट नहीं होगा हमारा आउटपुट आएगा। दूसरी बात आपकी ये थी कि अब डाइवर्सिटी क्यों है, जैसे इसी बुक में मैं आपको और श्रोताओं को और हमारे जो रीडर्स हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि पहली कहानी एक आस्था की कहानी है, किसी एक बूढ़ी औरत की आस्था है भगवान में और वो साइलेंट प्रेयर करती है और उसको वो चीज मिल जाती है। वो कैसे मिलती है वो उन्होंने कहानी में दर्शाया है, कैसे उसका मिलन अपने बिछड़े हुए लोगों से होता है। अब दूसरी कहानी देखिए, बिल्कुल अलग है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक स्पाई स्टोरी है, एक एस्पियोनॉज स्टोरी है, जासूसी कहानी है वो, लेकिन उस जासूसी कहानी में भी आपको शेड्स इमोशन के मिलेंगे, उस कैरेक्टर के शेड्स मिलेंगे, उसकी जद्दोजहद स्ट्रगल कैसे है अपनी स्थितियों से। अगर आप मेरे को थोड़ा सा इजाजत दीजिए तो मैं उस वाली कहानी का बताना, लाइव एंड केकिंग की बात कर रहा हूँ। लाइव एंड केकिंग, जी बिल्कुल। तो जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो राजी राजी मूवी हम लोगों ने देखी है ना भूपेन जी, ये राजी का सिमिलैरिटी है ना इस कहानी में, तो मैंने एकदम मैं इतनी आश्चर्यचकित हो गई, मैंने कहा ये तो हमने राजी मूवी देखी है। मैंने कहा भूपेंद्र जी को मैंने फोन किया, मैंने कहा ये तो आपने राजी मूवी लिख दी है इसके अंदर। मुझे आश्चर्य तब हुआ कि जब उन्होंने ये कहानी लिखी है तब राजी मूवी क्या, राजी वाली किताब भी नहीं आई थी जिसके ऊपर राजी मूवी बनी थी, तो मतलब इतनी सिमिलैरिटी है उस कहानी के अंदर अगर आप पढ़िएगा तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसमें मैं एक ऐड कर दूं थोड़ा सा ऋचा जी और सुनने वाले हमारे श्रोता जो है, जब इस कहानी इस किताब को कंपाइल किया गया तो काफी समय पहले हुआ, यह कंपाइलेशन मेरे ख्याल से 2018 के लास्ट में हुआ और 2019 में मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक से याद है मुझे, जनवरी या फरवरी में ये मैंने कमल जी को भेजा फॉरवर्ड लिखने के, तो उनका फोन आया मेरे पास, उनका फोन आया और उन्हीं दोनों वो पिक्चर आई थी कि भाई वो तो मैं तो लिख दूंगा लेकिन एक कहानी मेरी आपकी मेरी बेटी ने पढ़ी और वो कह रही है कि ये तो इस फिल्म से बड़ी सिमिलर है, सिमिलरिटीज बहुत है। तो मैंने उनको फिर वो सबूत दिया कि ये कहानी जो है हमने 2008 में लिखी थी ओरिजिनली, और उसका सबूत यह है कि वो एक इंटरनेशनल मैगजीन में तब छपी थी 2008 में ही। पर एक कहावत है कि व्हाई मेन थिंक अलाइक, तो ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने फिर वो फॉरवर्ड में भी लिखा है जी, जी वो जिक्र किया है उन्होंने फॉरवर्ड में कि ऐसे ऐसे बात हुई है और हमने क्लियर किया, यानी कि वो भी एक क्लैरिटी चाहते थे। देखिए जब आप एक प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हैं, चाहे आप फॉरवर्ड लिखे हैं, दो शब्द लिखे हैं, कहें या आप पब्लिश कराएं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा मटेरियल है जो कहीं और से लिया गया है या कुछ और है, तो ये तो जरूरी है। तो वो क्लियर वहां फिर निवेदिता जी ने भी कहा, तो मैंने इनको बोला और कमल जी से बात कराई और वो इनको इनको भी क्लियर हो गया था। नहीं वो तो नजर आता है, जैसे पोइट्रीज में भी बहुत वैरायटी है आपकी, जितनी भी पोइट्रीज मैं अभी पढ़ी हूँ सब में वैरायटी है। और निवेदिता जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आप पब्लिशर भी हैं राइटर भी हैं, तो दोनों के चैलेंजेस क्या हैं और दोनों में मोर सेटिस्फाइंग क्या है, क्योंकि दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैं लिखती हूँ और मैं ऑल ऑफ अ सडन आई कांट गोइंग टू पब्लिशिंग, क्योंकि मुझे लगता है वो किसी और का जॉब है, ये मेरा है, ये मैंने कर लिया। तो इतना ये एस्पेक्ट लाना और ये डिफरेंट एजेस पे काम करना, क्या क्या चैलेंजेस थे दोनों में और सेटिस्फाइंग आपको क्या लगता है, ज्यादा सेटिस्फाइंग क्या है? तो थैंक यू ऋचा जी। एक ना थोड़े से मैं कमेंट्स लेना चाहती हूँ प्लीज, बहुत सारे लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, तो एक कमेंट मैं पढ़ना चाह रही थी सरोज कौशिक जी का। उन्होंने इन्होंने शायद कुछ कहानियां पढ़ी हैं भूपेन जी की, बुक तो शायद नहीं ली अभी तक, बट वो कह रही हैं भूपेन भाई की कहानियों में गहराई है, इस हर सवाल का लगभग उत्तर हासिल है।
थैंक यू सरोज जी फॉर गुड कमेंट. शोभना तनेजा जी वाह बहुत खूब. शोभना तनेजा जी लगातार कमेंट दे रही हैं. अंजू कपूर गांधी जी कह रही है हर इंसान के पीछे एक कहानी है और जानकारी का दायरा बढ़ता है किसी एक बात पे लिखा होगा. ना आभा सक्सेना दूनवी जी जुड़ी हुई है हमारे साथ. वीना कुमार जी भी कह रही है बहुत खूबसूरत शुरुआत की है भूपेंद्र जी. और अंजू कपूर गांधी जी जुड़ी हुई है हमारे साथ. बहुत बहुत स्वागत है. मंजू श्रीवास्तव जी हैं, संध्या सिंह जी हैं हमारे साथ. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. मंजू श्रीवास्तव जी हैं और संध्या सिंह जी कह रही है भूपेंद्र जी को सुनना सुनना तार्किक है और रोचक है. संध्या सिंह जी ने लिखा है और मंजू जी बधाई दे रही हैं. और संध्या सिंह जी ने इस बात पे भी लिखा है प्रसव पीड़ा है सृजन. और अर्चना शरण जी आई हैं. अर्चना शरण जी का बहुत स्वागत है. अंजू कपूर गांधी जी आई हैं. नीलम प्रभा देवकन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. शोभना तनेजा जी, अर्चना शरण जी कह रही है रिचा और निवेदिता चक्रवर्ती जी आप सभी को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. हमें भी अच्छा लग रहा है आप आई हैं. वीना कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से जुड़े हैं और अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़ करके. और आप और रिचा जी आपकी भी तारीफ करिए. अर्चना जी कह रही है रिचा काफी खूबसूरती से प्रश्न कर रही हैं. थैंक यू बिल्कुल बेशक बेशक जी. तो थैंक यू रिचा जी, आपने मेरे को एक प्रश्न किया. तो जो बहुत सैटिस्फाइंग की अगर बात है तो ऑब्वियसली लिखना अच्छा लगता है मेरे को बहुत ज्यादा. मेरी मेरी दिन में एक कविता बन जाती है तो मुझे ऐसा लगता है मैंने खाना खा लिया पेट भर के. तो वो तो है, वो तो अपनी जगह पर है क्योंकि बचपन से लिखती हूँ तो मेरे को लिखने का तो शौक है. पब्लिशर का जो है ना, पब्लिशर मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिश मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक ऑथर अगर पब्लिशर को फेमस करता है तो एक पब्लिशर भी ऑथर को फेमस करता है. तो ये दोनों, हाँ, अगर एक बेहतर पब्लिशर होगा तो वो सिर्फ उसका फोकस ये नहीं होगा कि किताब छाप दिया हो गया. अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है कि कंटेंट बहुत अच्छा है और अगर कन्विंस्ड खुद है पब्लिशर तो वो जरूर कोशिश करेगा कि उस कंटेंट को पढ़ने के लिए लोगों को कन्विंस करे और उस ऑथर को फेमस करने की कोशिश करेगा, उसके कंटेंट को फेमस करने की कोशिश करेगा. ये एक पब्लिशर का काम है. और ऐसे ही एक ऑथर, अगर अच्छा ऑथर मिल गया, मान लीजिए कल भूपेंद्र जी को भी बहुत बढ़िया नॉवल लिखते हैं और वो भी हमसे छपवाते हैं और कल को उनकी नॉवल बहुत पसंद करते हैं लोग, तो ऑब्वियसली उनकी वजह से मैं फेमस हो जाऊंगी. तो ये बाइस दोनों मिले जुले हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं. रही पब्लिशर के का काम करके जो सेटिस्फेक्शन की बात है वो इसलिए है क्योंकि एज अ राइटर सिर्फ आप अपने लिए लिख रहे हो, एक तरीके से आप अपनी चीज दुनिया के आगे ला रहे हो. एज अ पब्लिशर ये एक, चाहे हम इसमें थोड़ा सा अर्न भी कर रहे हैं बट इट इज लाइक सोशल सर्विस ऑल्सो, क्योंकि आप दूसरों का लिखा हुआ दुनिया के आगे ला रहे हैं, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो. तो ये भी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन का काम है क्योंकि हर कोई इंसान जीता है अपने लिए, मरता है चला जाता है, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि आपने किसी दूसरे को खुशी दी, किसी एक राइटर को अच्छा लगा कि मेरा काम युगानुगुंज मीडिया के थ्रू सामने आया लोगों के. तो ये जो चीज है ये एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मुझे देगी फ्यूचर में भी. और अभी भूपेंद्र जी की बुक निकाली है, मेरे फादर की खुद की बुक निकाली है, फादर की बुक निकाली है, तो मुझे ये दो बुक्स निकाल के ही बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली मुझे. जी रिचा जी थैंक यू. अभी मैं पूछना चाहूंगी मुद्दा, क्योंकि अभी एक बहुत मूवी आ रही है कश्मीर फाइल्स, अभी जस्ट जैन में मेरी आई क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली उसे 2 दिन पहले देखा है. तो आप खुद कश्मीर से हैं भूपेंद्र जी, और इस तरह के सिचुएशंस जो मूवी में दर्शाए गए हैं फिर या फिर हम लिखते पढ़ते सुनते भी आए थे, और ये अभी हॉट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम जस्ट ये मूवी देखकर आए हैं और हर कोई अंदर तक हिल चुका है ये मूवी को देखकर. तो इस तरह के सिचुएशंस को आपने कैसे फेस किया, क्या था आपका, मतलब आप इस पर अपना क्या बताना चाहेंगे? आप खुद वहाँ को बिलोंग करते हैं, कश्मीर इज थॉरली इन टू यू, आपके राइटिंग्स में आपके नेचर के प्रति जो लगाव है वो उसमें हम लोग देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कश्मीर का वर्णन और ये सब रहता है, तो यू बेसिकली बिलोंग टू कश्मीर. तो इस पेन का क्या इम्पैक्ट हुआ आपके लिखनी पे और आपके लाइफ में, ये थोड़ा इस पर रोशनी डालें. देखिए आप चाहे माने या ना माने,
आप इससे इकरार करें या ना करें, इम्पैक्ट तो आता, इम्पैक्ट तो आएगा और वो ज़रूर हमने भी इम्पैक्ट लिया है। मेरी 7 कहानियों में से मैं आपको सेफली बता सकता हूँ, आपने भी पढ़ी होंगी, कम से कम 4 कहानियों में कश्मीर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिक्र है। अब ये जरूरी नहीं है, ये हाँ, जो पेन आप फील आप लोग किए, तो वो क्या नेचुरली आ जाता है आपके कहानी में? मैं उस पे आता हूँ, उस पे आता हूँ, अभी उसी पे आ रहा। लेकिन जो हमारे अंदर एक स्ट्रीक है, एक जो हमारे अंदर, जो मेरी पर्सनल पर्सनल मतलब एक राइटर्स पर्सनैलिटी जो है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं जान पाया हूँ, वो ये है कि हमने, और इसमें आपको पहले क्वेश्चन का भी जवाब मैं नहीं दे पाया अभी, वो भी देना चाहूंगा इसी में। आपने कहा, आपने ये कहा था कि हम इस लीक को तोड़ क्यों नहीं सकते। जैसे कोई गजल लिखता है तो वो गजल ही लिखता है, या कोई अगर कोई कहानी छोटी लिखता है तो वही उसी टॉपिक टॉपिक से रिलेटेड कहानियां लिखता है, अलग अलग हटके चीजें क्यों नहीं लिखती? ये आपका पहले सवाल था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो पहले उसका जवाब ले लीजिए, उसका जवाब, उसके जवाब में थोड़ी सी बड़ी बात कहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन वो हकीकत है। और वो ये है कि एक राइटर तो आसानी से जन्म लेता है और आसानी से मौत भी हो जाती है उसकी। एक राइटर की मौत यही है जब वो अपनी इमेज के दायरे में फंस जाए। मसलन अगर मुझे, अगर आपको किसी ने कह दिया या मुझे किसी ने कह दिया, अरे तुम तो नज्म बहुत अच्छी लिखते हो, तो मैंने उसको ऐसी प्रेज ली और अपने अपने आसपास एक कुकून बांध दिया और उसी में मैं फोत हो गया ऐसे शायर, मेरे अंदर का शायर मर गया वहीं, क्योंकि मैं बार बार कोशिश करूंगा कि वैसी नज्म फिर लिखूं, वैसी नज्म फिर लिखूं। मैंने तारीफ को अपनी मौत बना दिया। तो मैं बेसिकली क्या है कि एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से आया हूं, तो एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड में हमने बहुत सारा विचार विमर्श डिस्कशन, काफी क्रिटिकल मतलब जिसको कहते हैं आप क्रिटिसिज्म, हल्के से लेके बारी तक, हल्के नोट से लेके बारी नोट तक सहा है और उसको दुरुस्त करना पड़ता था, वो हमारा काम था, वो हमारा प्रोफेशन था। शायद वो स्ट्रीक आ गई है कुछ अलग करने का। एडवर्टाइजिंग में पहला काम यही होता है कि आपको, अगर आपको ये बोलना है कि पीला रंग बहुत अच्छा है जी, तो इसका मायने ये है कि आपको कहीं ना कहीं से पीले रंग की कोई ना कोई यूएसपी निकालनी है और वो बोलनी है, ताकि दुनिया वाले को ये लगे कि कोई और रंग अच्छा है ही नहीं, सिर्फ पीला ही अच्छा। तो इतना उसमें घुसना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि मैंने अपने आप को मरने नहीं दिया किसी एक जोनर में, किसी एक स्टाइल में। कोशिश की है जितना भी रहूं, जितना भी काम करता रहूं, जिंदा रहूं। और अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मेरा शब्द, मेरे अल्फाज जिंदा रहेंगे, वरना वो किसी की प्रेज में वो फोत हो जाएगा लिखने वाला। ये तो एक जवाब था आपको। तो दूसरा, दूसरा जवाब जो कश्मीर से आपने कहा है, वो जवाब ये है कि 4 कहानियों में कश्मीर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आता है। लेकिन मैंने एक कोशिश की थी, और लगभग 2 पॉइंट्स में तो कश्मीर का दर्द भी है, 1 पॉइंट में तो बिल्कुल साफ है, वो किसी और की लिखी हुई थी, मैंने सिर्फ ट्रांसलेटेड की है उसका, मैंने तर्जुमा किया है, अनुवाद भाव अनुवाद किया है। लेकिन दूसरी भी एक पॉइंट में जो पहली वाली है, वो हमारे कश्मीर के सूफिज्म पे, उसमें आपको कश्मीर चाहे दिखे या ना दिखे, लेकिन वो शैविज्म उसमें दिखेगा, जो इस किताब की पहली कविता है, कविता खंड के में पहली कविता जो आती है, उसका नाम ओब्लिवियन। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं शिव के ज्यादा नजदीक शायद ये कविता ले जाए आप। तो उसमें शैविज्म है इनडायरेक्ट, और वो शैविज्म कश्मीर से आया हमारे पास, वो कहीं और से नहीं आया। और 4 कहानियों में जिक्र है, लेकिन हमने ये जानबूझ के एक
डिलिबरेट अटेम्प्ट ये था कि हमें वो वावेला नहीं करना है, हमें प्रोग्रेशन दिखाना है। अगर ये कहानी आप देखें रूट्स एंड विंग्स, उसमें वो कहानी कुछ हद तक मेरी अपनी मतलब घरेलू स्थिति से मिलती जुलती है। उसको फिक्शनलाइज भी किया है लेकिन कुछ वो उसका जो सार है वो बहुत हमारे घर से, घर की कहानी से मिलता है। मेरे पिताजी का नाम भी द्वारकानाथ था, तो उसमें भी कैरेक्टर का नाम द्वारकानाथ रखा है। और जी, और कुछ हद तक वो कहानी मिलती है, लेकिन हमने वो दिखाया कि वो जो बच्चा वहां से जाता है वो देश के लिए क्या काम करता है। सेकंड पार्ट, तो पहला पार्ट है रूट्स और दूसरा पार्ट है विंग्स। जब उसको पंख लगते हैं, उड़ान भरता है, तो कैसे उड़ान भरता है, तो थोड़ा प्रोग्रेशन दिखाया है और वो रोना धोना नहीं रखा है, उसको काबू रखा है अपने इमोशंस। जी और भी कहीं इसमें मैंने कोई लाइन पढ़ी थी इस फोरवर्ड में, इट गिव्स द फीलिंग ऑफ अ नोवेला, तो कैन यू एलैबोरेट हाउ क्या नोवेला है और क्या इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ अ नोवेला, तो मींस देखिए यहाँ अगर जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो एक बहुत ही एक गलत ख्याल है। जब हमने एक निवेदिता जी ने हमने एक कार्यशाला शुरू की थी कुछ महीने पहले, आपको भी शायद पता है, जी उसमें मैं उसका हिस्सा रही हूँ जी उसका हिस्सा आप रही है, उसमें हमने गलती से लिख दिया लघु कथा, और यह हमारी गलती थी। लघु कथा और एक एकांकी था, उसमें वन एक्ट प्ले भी था और ट्रेवलॉग वगैरह भी थे जो मेरे हिस्से में आए थे। तो मुझे बाद में बहुत स्ट्रगल करके आप सबको बोलना पड़ा कि लघु कथा जो है वो 500 वर्ड से लेके 2000 वर्ड तक, 2500 वर्ड तक हो सकती है। अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी होती है 2000-2500-3000 वर्ड तक, और हिंदी में, मुझे माफ कीजिएगा, हिंदी में एक प्रचलन है कि लघु कथा का मतलब है बहुत छोटी सी कहानी, जिसको हम अंग्रेजी में एनिक्डोटल स्टोरी कहते हैं। वो एनिक्डोट कहते हैं उसको, शॉर्ट स्टोरी नहीं कह सकते। शॉर्ट स्टोरी का मतलब, यानी कि आप शॉर्ट को काट निकाल दीजिए, ये सारी स्टोरियां हैं, कोई इनमें से शॉर्ट स्टोरी नहीं। स्टोरी का मतलब यह है कि एक कहानी, एक कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर का इंटर रिलेशन जो कैरेक्टर से है वो बखूबी आपको बयान करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसमें कहीं भी कोई भी रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, यानी कि जब आप पढ़ो उसको एज ए रीडर, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे ये तो वहां था ये आदमी, ये कैरेक्टर ये यहां कैसे आ गया। अगर वो कैरेक्टर मेरा बारिश में से निकल के आ रहा है, तो पहले मुझे ये लिखना है कि उसने रेनकोट टांगा और उसने अपने आप को तौलिए से साफ किया, तब कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। एक नैरेटिव का ये बहुत अहम हिस्सा है, और यही मैंने किया है, मैंने नैरेटिव को जिंदा रखा है इसमें। तो वो नोवेला जो उनका मतलब था कहने का, नोवेला का मतलब है एक शॉर्ट नॉवेल, तो उन्होंने ये कहा था कि एक शॉर्ट नॉवेल का ये एक किस्सा मतलब लगती है, तो मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ अपने लिए। वो बहुत बड़े लेखक हैं खुद कमल जी, और बहुत बड़े कॉलमिस्ट हैं, बहुत बड़े क्रिटिक हैं, तो उनकी तरफ से अगर ऐसा लिखा गया है तो मैं उसको अपनी एक दाद मानता हूँ, बहुत खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू निवेदिता जी। ऋचा जी एक मिनट इजाजत हो तो मैं 2-3 कमेंट्स ले लूं, बड़े अच्छे आए हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ सब लोगों को कि जब भूपेंद्र जी की कहानियां पढ़ते हैं तो बड़े आश्चर्यजनक ढंग से ना वो ऐसा लगती है कि कुछ कुछ कहानियां एकदम से ऐसे लगने लगती है शायद हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और इनकी कहानियां पढ़ करके कुछ काफी ऐसी फीलिंग हुई। और वीना कुमार जी को भी देखिए उन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा रूट्स एंड विंग्स रेसोनेटेड विद मी द मोस्ट, क्योंकि वीना कुमार जी भी देहरा वहां पर पटियाला या से वहां पे शिफ्ट हुई अमेरिका, तो उन्होंने बहुत अपने आप को कनेक्ट किया उस कहानी के साथ। और इसके अलावा भूपेंद्र जी काफी काफी सारे हमको मिले हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो 2 कमेंट्स आपके लिए हैं, 2 लोगों ने सजेशन दिया आपको।
अर्चना शरण जी ने और सरोज जी ने कि आप आत्मकथा लिखिए। तो अर्चना जी ने लिख रही है कि कश्मीर आपकी जन्मभूमि है, भूपेंद्र जी तो आपका उससे लगाव तो बहुत ही स्वाभाविक है, आप अपनी आत्मकथा लिखिए और कश्मीर में अपने बिताए दिनों को भी लिखिए। इस बात से जी, और कमेंट से मैं भी और एक और एक बस एक और कमेंट, मतलब काफी सारे हैं आप लोगों के कमेंट्स के, भूपेंद्र जी जरूर उत्तर देंगे। एक नीलम जी का एक और भी आया था, उन्होंने लिखा था कि उन्होंने काफी सुंदर तारीफ की थी भूपेंद्र जी की, जो भूपेंद्र जी कहते हैं हाँ सम आंसर, किसी आंसर को उन्होंने लिखा था सच अ ब्रिलियंट आंसर भूपेंद्र जी, सो एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सजेस्ट करूंगी आपको सर लिखने के लिए after seeing the movie Ma Kashmir Files, because I really want to read them more about it. और पता नहीं कुछ अजीब सा एक फीलिंग हुआ वो मूवी को देखकर, वो मैं मेंशन नहीं कर सकती, वो पेन था या क्या था, लेकिन बहुत अंदर तक हिल गई थी। और कमिंग टू यू वेदिता जी, हाँ जी जी बोलिए जी, आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। निवेदिता जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि एज यू हैव डन एडिटिंग योरसेल्फ, तो आपने हर कहानी, हर स्टोरी, हर पोइट्री को पढ़ा होगा, फिर भी एक चॉइस हो जाता है, एक पर्सनल लाइकिंग हो जाती है कि ये मेरी बेस्ट स्टोरी थी या इस बुक की ये बेस्ट पोइट्री थी, तो कौन सा पीस ऑफ राइटिंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? मैं बताना चाहती हूँ, एक तो भूपेंद्र जी की जो खास बात है ना जो लिखने में, वो मैं बताना चाहती हूँ जो कि मैंने भी सीखा। तो पहले मैं काफी जो ग्रीफ ग्रीफ की पोयम्स, दुख की पोयम्स जो लिखती थी ना, तो वो दुख में लाके ही छोड़ देती थी। तो ये भूपेंद्र जी ने ही मुझे सिखाया कि कभी भी अगर आप, पहली बात तो बहुत सारी पीड़ा की पोयम्स नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन अगर लिखनी भी है तो उसको लाके ना कहीं पॉजिटिव एंडिंग करो। जब मैं इनसे मिली और ये 2-2.5 साल में मैंने सीखा और मैंने भी करना शुरू किया कि चाहे वो कितनी भी पीड़ा को लेकर के पोयम होती है, मैं उसको कहीं पे पॉजिटिव एंडिंग में खत्म करने की कोशिश करती हूँ। तो क्योंकि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी एज अ राइटर कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी पोयम कौन पढ़ रहा है, कोई पाठक पढ़ रहा है, तो आप एक रीडर को कहीं पे वहां पहुंचा रहे हो कि जहाँ पे बिल्कुल दुख में ही आपने उसको पहुंचा दिया, आपने कहीं उसको रे ऑफ होप नहीं दिखाया। तो ये चीज मैंने इनसे सीखी और वही उनकी सारी कहानियों और कविताओं में काफी ये चीजें देखने को मिलती है, जो मुझे सबसे ज्यादा मैं हिल गई इनकी कहानी जो अ सबलाइम लव स्टोरी, क्योंकि मुझे उसमें ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पुरुष होकर के इन्होंने ये कहानी कैसे लिखी, मतलब एक औरत की क्या संवेदना होती है, एक औरत बहुत संवेदनशील होती है और एक औरत के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है उसकी लाइफ में, सब कुछ होगा लेकिन उसके अंदर वो जो रिक्तता, वो वैक्यूम जो होता है, उसको उन्होंने कैसे पहचाना और उन्होंने एक पुरुष होकर के ये चीज कैसे लिख दी, मुझे बहुत आश्चर्य। और मुझे हर उस राइटर, हर उस पुरुष राइटर के ऐसी राइटिंग से बहुत आश्चर्य होता है जब वो एक नारी को सामने रख करके और उसके जीवन को, केवल उसके जीवन के लिए ही नहीं लिख रहे हैं, उसके अंदर उसकी अनुभूतियों को पहचान करके उसको उघाड़ करके लिख करके ला रहे, तो वो चीज मुझे अ सबलाइम लव स्टोरी में बहुत अच्छी लगी। विशेष ना जो कहानी है इनकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसको उसको उस कहानी को कहीं से मैं खुद से जोड़ पाई, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल वुमन की कहानी है, कहाँ से एक औरत निकली और कहाँ पे उसने जो सोचा वो किया, और इसलिए वो भी मुझे बहुत पसंद आई। ये दोनों कहानियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई सारी कहानियों के अंदर। लेकिन और एक जैसे इनकी काफी कहानियों में जो 7 कहानियां हैं इनकी, तो जो रिफ्लेक्शंस क्लाइमेक्स, जो द रिफ्लेक्शंस में जो क्लाइमेक्स है इनका, जो एक एक कैरेक्टर इन्होंने नाथा करके बनाया, और वो कहानी आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि उस कहानी को लास्ट में मैं रो पड़ी थी उस कहानी को पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप लोग पढ़िएगा उस कहानी को, वो बहुत छू गई थी मेरे हृदय को वो वाली कहानी, और बहुत सुंदर कहानी है। पोएम्स इनकी सारी बहुत अच्छी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इनकी काफी पोएम्स बहुत डेप्थ को लिए हुए, बहुत अच्छी। जी रिचा सर, आप कुछ कह रहे थे,
अब कुछ जैसे अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट डिफरेंट मतलब कंटेंट डू यू गिव टू योर रीडर, लेकिन हमको लगता है कि वो इनकी बात से ही हो गया. फर्स्ट रीडर आई थिंक निवेदिता चक्रवर्ती ही उसको क्लैरिफाई कर दी, तो इसका बहुत ज्यादा तो पॉइंट नहीं बनता. फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहें कि हाँ ये एक एक्स्ट्रा चीज था, जैसे रे ऑफ होप वाली बात है, ये मेरी भी पर्सनल मेरी फीलिंग है कि ऑलवेज यू शुड गिव अ सोल्यूशन. आप कहीं भी आधे में लाके नहीं छोड़ सकते, बिकॉज एज अ लेखक आप थोड़ा सा रे ऑफ होप दीजिए अपने ऑथर्स को, तो वो एक पॉजिटिविटी लाता है. और समाज में जब इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो हम अगर कुछ ऐसा लाते हैं जहाँ पे कोई भी अपने पेन में थोड़ा सा भी रे ऑफ होप देखता है, तो आई थिंक आई कंसिडर हिम और हर एज अ गुड राइटर. तो आप अपनी देखिए तरफ देखिए, से क्या डिफरेंट सोच रहे हैं कि आपके बारे में? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भी सीखा है। जैसे फिराक गोरखपुरी साहब, अब उनका एक शेर सुनिए, बहुत ही एक सरल सादा सा शेर है, अगर सारे हमारे श्रोता भी सुन लें उसको, तो उसकी डेप्थ आप देख सकते हैं क्या। यूं तो जिंदगी में है 4 दिन, 4 दिन ही, यूं तो जिंदगी में है 4 दिन ही, बहुत होते हैं मगर 4 दिन भी। अब ये पहले मिसरे में कितना दर्द है कि 4 दिन बाद जिंदगी खत्म, और दूसरे मिसरे में उन्होंने एक होप दी है। तो ये फिराक गोरखपुरी साहब वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स शायर हैं। और गालिब ने भी, आप जैसे आपने अभी कहा कि कश्मीर के ऊपर, वो अर्चना शरण जी ने भी कहा, और पहले तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं जो सुन रहे हैं, और वो जो उनको अच्छा लग रहा है हमारा कुछ कहना। नीलम प्रभा देवगन जी, संध्या सिंह जी, अर्चना शरण जी, जितनी भी, वीरा कुमार जी, बहुत शुक्रिया सबका। कश्मीर के बारे में आप देखिए, अभी अगर कोई प्रोग्राम, अभी तो बहुत सुना आपने, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत धूम मची है कश्मीर के बारे में। पहले 33 साल इट वॉज अ ऑर्गेनाइज साइलेंस, अब 33 साल के बाद ये पिक्चर आई तो एकदम फूट पड़ा है जैसे ज्वालामुखी। हर कोई कह रहा है, हर कोई सुन रहा है, हर कोई महसूस कर रहा है हमारे दर्द को। तो चलिए, सो फार सो गुड, हम भी कहीं ना कहीं इसको निकालेंगे, कहीं से चैनलाइज करेंगे। मैंने अभी अभी तो मैं किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा एक नॉवल लिख रहा हूँ, तो उसको मुझे लगा कि कहीं उसको, उसके साथ साथ में कुछ ऐसी कहानियां छोटी मोटी, छोटी 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 जो है ट्रू, जिनमें ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो कश्मीर का, तो वो मैं शायद लिखना शुरू करूं। आत्मकथा तो नहीं हो सकती जैसे नहीं उन्होंने, क्योंकि हमारी आत्मकथा में ज्यादा ज्यादा कुछ है नहीं, तो वो इतनी बिल्कुल इंटरेस्टिंग और है, इतनी ग्रिपिंग होगी नहीं। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपका एक और एस्पेक्ट है, यू आर अ वेरी गुड सिंगर, तो वो भी हम देखना चाहेंगे कि आप सिंगिंग में कैसे आए. वो चीज तो है. वो म्यूजिक का जी, म्यूजिक का शौक तो था, वो आपको पता है, वो सारे श्रोता हमारे पटल के जानते हैं, और जब भी कभी मौका मिलता है तो कुछ गा लेते हैं, अपनी अपनी लिखी हुई लाइनों को गा के सुनना पसंद करता हूँ, या दूसरे कोई फिल्मी गाने, ऐसे वो सब चीजें चलती रहती हैं। रहा सवाल कश्मीर का, हमने 4 या 5 कहानियों में कश्मीर का जिक्र, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपको मैं बताऊं, 7 कहानियों में से 5 कहानियों में 5 कहानियां नारी प्रधान कहानियां है, उसमें विमेन प्रोटैगनिस्ट है। यहां तक कि मेरी दूसरी कहानी जिसमें वो एक स्पाई होती है, तो इजीली हम उसको मर्द रख बना सकते थे, वो कैरेक्टर मर्द हो सकता था इजीली, क्योंकि उसमें काफी एक्शन है और ये है, लेकिन मैंने डिलिबरेटली उसको एक लड़की का प्रोटैगनिज्म दिया था, ताकि उससे हमें जो है एक एक नरम और एक साथ में एक जो उबलता हुआ एक कैरेक्टर मिले, जिसके अंदर वो उबल रहा है, उसको हमने वो लाइन ऑफ कंट्रोल की वो बैकग्राउंड दी हुई है। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लड़की आती कहाँ से, तो उसका पूरा खाका खींचा हुआ। जी और फिर इसी तरह से विशेषणा हो गई,
विशेष ना एक एस्पिरेशनल स्टोरी है, एक औरत एक सीकर है। मुझे लगता है हर औरत के अंदर वो एस्पिरेशंस होंगी उसके अंदर। वो सबलाइम लव स्टोरी में एक इमेंसिपेशन है, जो छटपटाहट होती है वो उसमें उससे आजाद होके वो कैसे करती है, अपनी इमेंसिपेट कैसे करती है अपने आप। इसमें मैं एक और जिसका जिक्र बहुत कम होता है और खासकर जो है पंजाब साइड के जो हमारे रीडर्स हैं वो ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे उससे। एक रीडर का मेरे पास फोन भी आया था, उनकी उम्र कोई 83 इयर्स की थी, तो उनका फोन मेरे पास आया कि आप बुक पे फोन नंबर लिखा हुआ है। मैं जानता नहीं था, उनका फोन आया, वो मोहाली साइड में कहीं रहते। बोले आप कहाँ के रहने वाले? मैं कहा सर मेरा वहां पे परिचय दिया हुआ है, मैं तो कश्मीर का रहने वाला हूँ, पैदा वही हुआ हूँ लेकिन बाद में इधर आ गया हूँ, दिल्ली वगैरह गुजरात काफी जगह। उन्होंने कहा नहीं आपने ये कहानी कैसे लिखी? उसमें कहानी है ऋचा जी और निवेदिता जी को पता ही है, रेडक्लिफ रेवरब्रेशन। ये रेडक्लिफ, वो सिरिल रेडक्लिफ उनका नाम था जिन्होंने ये लाइन खींची पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच। उन साहब का नाम था लॉर्ड सिरिल रेडक्लिफ। तो उसी के ऊपर मैंने रेवरब्रेशंस चार जनरेशंस की औरतों की, चार जनरेशन की, मतलब परदादी, फिर दादी, पोत उसकी बेटी और उसकी, यानी कि चार की जनरेशन की कहानी है वो, और चारों उसमें औरतें। और वो कहानी जो है स्पैन करती है 1947 से 2019 तक, जब ये एयर स्ट्राइक्स हुई थी। तो मुझे लगता है कि वो कहानी में कम लोगों ने पढ़ी है, या कहानी और उस कहानी में, वो कहानी में भी मतलब मैंने खुद को बड़ा कनेक्ट किया, जब वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर की जब पिक्चर देखती है एल्बम में, तो उसको लगता है कि अरे मेरे अंदर जो है वो तो मैं एकदम अपनी दादी जैसी हूँ, मतलब सारी चीजों के अंदर। और बहुत सुंदर है, मतलब उस कहानी में इन्होंने जनरेशन टू जनरेशन कैसे करेज का एक फ्लो होता है ना, वो चीज इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्यारी कहानी है जी। मैं मेंशन करना भूल गई थी, अगर आप उस पंजाब साइड के वो पार्टीशन में से जानते हैं पार्टीशन की कहानी, तो हुसैनी वाला एक गांव है उधर पंजाब, मतलब पाकिस्तान के अंदर, तो वो उस गांव की कहानी है। वहां से जब वो आए थे, शुरुआत वहां से होती है, लेकिन उसमें मॉडर्निज्म भी है, वो आज की लड़की की भी कहानी है, यही चीज है उसमें। तो मैं सबसे आवेदन करूंगा कि उस कहानी को भी जरा पढ़ लीजिए और देख लीजिए कैसे है। उसमें चारों कैरेक्टर औरत के हैं और उसमें हमें मतलब ये नहीं है कि आज की औरत में हिम्मत है, नहीं ऐसा नहीं है। जो हम कहते रहते हैं कि आज की नारी ये है, वो 1947 में भी जो परदादी थी उसमें उतनी हिम्मत थी जितनी पड़पोती में है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको तो उसमें मिलेगा। और ये जी, और ये जो हमारे ये जो बुजुर्ग ने कहा, तो वो उनकी वाइफ रो पड़ी फोन पे, कहे कि ये तो आपने हमारी कहानी, वो तो हमारा गांव है और जो आपने वो लिखा है वो हिस्सा, वो वहाँ खेतों में से हम कैसे आ गए, मतलब उसमें कुछ वर्णन है, मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, तो वो कैसे आ गए वो पूरा पूरा हमको याद आ गया अपना। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप जो उसने नहीं पढ़ी वो पढ़ लीजिए, उसको अपने रिव्यूज दीजिए, हमको नवाजिए, क्योंकि हमारे लिए अब एक ही चीज है कि आप लोग क्या कहते हैं, अच्छा बुरा सही गलत कुछ कुछ भी, हमारे लिए वो पुष्ट सवाल है आपकी बात। धन्यवाद जी। ये आज का तो ऐसे भी बहुत ही स्पेशली प्रोग्राम है, तो मैं जस्ट निवेदिता जी से पूछूंगी कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब अभी नेक्स्ट पाइपलाइन में क्या है? युगानुगूंज इज कमिंग अप विद अनदर बुक सून, और भूपेंद्र जीज बुक सून, या क्या है पब्लिक, मतलब इस पर, क्योंकि इतना आपने हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ बुक्स हम लोग फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे ही चुनिंदा राइटर्स को हमारे सामने लाना, या फिर मतलब जो मैसेजेस कैरी करें, तो मतलब व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ युगानुगूंज पब्लिकेशंस? सो देखिए, परफेक्शन राइटिंग तो हर किसी की नहीं होती है, कुछ नवांकुर भी होते हैं और उनका भी मन करता है कि जो हमने लिखा है वो भी छपना चाहिए, तो मैं अगर इतनी चूजी होंगी तो उनको मौका कौन देगा।
अगर सारे पब्लिशर्स मेरे जैसे सोचने लग जाएं कि भाई बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट को ही सामने लाना है, लेकिन हाँ मेरी 2 दिन पहले किसी से बात भी हो रही थी तो वो बोल रहे थे, तो मैंने उनको कंडीशन लगाई, मैंने कहा एक चीज के लिए मुझे फ्रीडम देनी पड़ेगी कॉपी एडिटिंग की, क्योंकि अगर मुझे कंटेंट यस क्योंकि और ये प्रिविलेज है, ये अच्छा है, भगवान ने मेरे को थोड़ा राइटिंग का मेरे को दिया है उन्होंने टैलेंट, तो मैं कर सकती हूँ थोड़ा सा कॉपी एडिट, और मेरे पास टीम भी है बहुत अच्छे राइटर्स की जो कि कॉपी एडिट कर सकते हैं, तो ये है कि हाँ हम ऐसा नहीं है, थोड़ा 19-20 कंटेंट को भी हम छापने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ उसमें बस कॉपी एडिटिंग वाली स्वतंत्रता हमको मिलनी चाहिए, ये है आगे का प्लान। जी सर, यही क्वेश्चन शायद मैं आपसे भी है, व्हाट नेक्स्ट, हम क्या एक्सपेक्ट करें आपसे। और एक और चीज उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब जो बडिंग राइटर्स हैं उनके लिए आपके आपका क्या मैसेज होगा, या वो कैसे अपने आप को इस तरह से इतना कामयाब और इतना चूजी, जैसे आपने भी अनगिनत कहानियां लिखी, अनगिनत पोइट्रीज लिखे, तो आप अपने फर्स्ट बुक में ये चूज किए कि दिस शुड बी द 7 स्टोरीज और दिस शुड बी द 7 पोइट्रीज दैट शुड कम टू द रीडर्स, तो ये आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बडिंग राइटर्स को? देखिए मैसेज तो इक्वली सक्सेसफुल हो जैसे 7th Chord है, जैसे विद नो डाउट जितना हमने इसके बारे में सुना या रिव्यूज पढ़ा या रीडर्स का जो व्यूज आया, तो डेफिनेटली एवरीबॉडी हैज गॉट द अर्ज टू रीड दिस बुक, तो वो हम कैसे पैदा कर सकते हैं और वो एक बडिंग राइटर्स उसके इसको कैसे अचीव करें? देखिए मैं आप सबसे पहले तो आपके रीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा जिन्होंने इस हमने तो जो काम करना था वो कर दिया, आगे उसको कहाँ तक ले जाना है वो सारे हमारे रीडर्स का ही काम है। रीडर्स का रेस्पॉन्स जो आया है जैसे आपने कहा वो बड़ा हैरान कन रेस्पॉन्स है और मैं एक्सेलरेटिंग है उसको कह सकता। खैर बाकी रहा साहब मैसेज का जो सवाल है, मैसेज जो आप कह रही हैं एज ए राइटर, मेरा मैसेज यही है। एक बार किसी ने लता जी से पूछा था, स्वर्गीय लता मंगेशकर, उनसे पूछा था किसी ने कि नए गायकों को आप क्या कहना चाहते, तो उनका आंसर जो था वही मैं देता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर वो गायक हैं तो गाते रहिए, बिना रुके बिना थके गाते रहिए। और मैं यही कहूंगा कि अगर अगर आप लेखक हैं तो लिखते रहिए बिना थके बिना रुके। फिर लिखने में एक चर्निंग होती है, एक चर्निंग जो है जैसे शिवजी ने चर्निंग की थी, वो नेक्टर निकाला था उसमें से पॉइजन में से, तो वो एक ये एक चर्निंग प्रोसेस ऑफ चर्निंग है, एक गो में नहीं ठीक होगा, एक ही कलम के एक बार से सब ठीक नहीं हो जाए, तो आपको करते रहना होगा करते रहना होगा, रोज लिखना होगा और पढ़ना भी बहुत जरूरी है, इनटेक बहुत जरूरी है, इसमें अच्छे अच्छे ऑथर्स को पढ़ना भी बहुत जरूरी है और उसके बाद लिखते रहिए और बेखौफ लिखिए। एक ग्रिप चाहिए जो मैं समझता हूँ हर कहानी में, या इवन एक पोएम भी एक कहानी है, प्रोज में नहीं है वो पोएट्री में, अगर उस पोएम में या कहानी में ग्रिप ना हो तो रीडर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। रीडर को साथ में ले जाना है, उसको लास्ट वाक्य तक लास्ट सेंटेंस तक वो हमारे साथ हो, वो चीज ही हमें यानी कि वही एक राइटर का असली राइटर का वो एक एंडेवर होना चाहिए, और अगर वो होता है तो कोई आपको कोई सक्सेस से नहीं रोक सकता। वो एक बार कहानी शुरू करेंगे वो कहानी छोड़ेंगे तभी जब खत्म करेंगे, या पोएम का भी ऐसा ही, वो पोएम में भी एक ग्रिप चाहिए, कहीं कोई एम्बिग्विटी या अनक्लियर चीजें नहीं होनी चाहिए, तो मैं तो इतना ही कह सकता। थैंक यू सर, अब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हमको लग रहा है कि हम नेवर एंडिंग इस पे बात कर सकते हैं, बात मतलब नेवर एंडिंग जाएगी, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में निवेदिता जी से बोलना चाहूंगी कि बिकॉज शी इज अ रीडर, शी इज अ राइटर एंड अ पब्लिशर,
तो वो ज्यादा अच्छे से सम अप कर सकती हैं इस पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि क्वेश्चंस तो मेरे पास असंख्य थे, लेकिन मैं ऊपर देख रही हूँ कि 8 बज रहे हैं, तो शायद हम लोग फिर आएंगे, फिर इस बात को लेकर आएंगे। तो निवेदिता तो जी, जी, मैं भूपेंद्र जी को थैंक यू, मेरे को आपने ये अधिकार दिया कार्यक्रम खत्म करने के लिए। भूपेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और ऋचा जी आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम संभाला, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग, जितने भी पाठक हमारे साथ, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, सरोज कौशिक जी, कादम्बरी टीकू जी, शोभना, कोई क्वेश्चन किया है भूपेंद्र जी आप देख लीजिएगा, अभी टाइम 8 बज गए हैं। शोभना तनेजा जी, नवीन जोशी नवल जी, सरोज कौशिक जी, पूनम शर्मा जी, अंजू कपूर गांधी जी, अर्चना शरण जी, वीना कुमार जी, अनिल श्रीवास्तव जी, वंदना मुदगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट।